हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्राज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो क्या से रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल लिंक चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं लिब्राज के लिए, लिब्राज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लिब्राज, लिब्राज पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर लिब्राज। मेरे हैवन्स ड्रीम टैरो चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं आप फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लिब्राज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लिब्राज। अंडरनीथ आपके पास है हैरिफॉन्ट, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों या तो मैरिड हैं या फिर आप दोनों में कमिटमेंट इश्यूज हैं कि कोई एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है और एक पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है। यस, ब्रेकअप और नो टॉकिंग सिचुएशन मुझे लग रही है, नो कम्युनिकेशन। और अब जो है आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट की बात पर उन्होंने शायद आपसे ब्रेकअप किया, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे और आप लोगों में कुछ अरसे से नो कम्युनिकेशन चल रही है। तो अब आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा तरीका अपनाएं आप तक पहुंचने के लिए, और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अदर ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। यस, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन किसी चीज़ की हो सकती है या टॉक्सिसिटी हो सकती है। रिलेशनशिप में अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, मीन्स कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो एक साथ नहीं हैं, अलग अलग रह रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, हो सकता है 7 मंथ का अरसा हो या 7 डेज हो सकते हैं, 7 वीक भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर 7 मंथ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मीन्स के एक रिलेशनशिप में अगर हैपनिंग ना हो रही हो, मीन्स के कोई बातचीत ना हो रही हो, तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। सो आपके पार्टनर जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट उनके लिए चैलेंज ये है कि उनको शायद आपके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं लेकिन उनको बात करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो आपसे अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं, अगेन से स्टार्ट लेना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई इनिशिएट ले लें आपकी तरफ, क्योंकि ना आप कॉन्टैक्ट करें ना वो कॉन्टैक्ट करें, तो ये कॉन्टैक्ट बहुत लंबा जा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में ये टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। नो कॉन्टैक्ट, यस, कोई एक पर्सन बात करना चाहता है और एक पर्सन जो है नॉट इंटरेस्ट शो कर रहा है, नो इंटरेस्ट शो कर रहा है। सो यस, फाइनली आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है विद इन 1 वीक, या वो आपसे बात करने के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि उन्हें कोई ख़ुद से क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप में, पास में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर वो आपसे कोई जैसे बात करके आपको एक बाउंड्री क्रिएट करके, लाइक जितना वो दे सकते हैं आप उतना उसको इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट ना करें, लाइक जितना वो दे सकते हैं उतना ही आप लें और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन या डिमांड्स ना करें। तो आई फील कि या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे हैं उनसे, कमिटमेंट डिमांड करें, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़े से डिटैच फील कर रहे हैं। मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अब पास में उन्होंने आपको रिजेक्शन दी, बट अब वो आपको इनिशिएट लेना चाहते हैं आपकी तरफ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, बट यहाँ पर वो इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यस, वो कन्फ्यूज्ड हैं इस वक्त, लेकिन वो रिकवरी भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। अब उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि एक्सेप्ट कर किया जाए इस रिलेशनशिप को, या जैसा भी है वो आपसे चाहते हैं कि जैसा भी रिलेशनशिप है इसको एक्सेप्ट करें। या फिर हो सकता है पास में उन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगी थी, वो नहीं दे पा रहे थे, लाइक आप नहीं दे पा रहे थे, अब उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है कि शायद ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलेगा। बट वो प्रेयर बहुत करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, यानी नेक्स्ट लेवल तक जाए। ओके,
सो यूनिवर्स उन्हें क्या एडवाइस कर रही है, केमिस्ट्री देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लाइक आप दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन तो है आपका, या यूनिवर्स उनको समझा रही है. वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, तो हो सकता है अगर ये जो डिलेज आ रहे हैं कमिटमेंट में या सेपरेशन पीरियड जो भी है, ये डिवाइन की तरफ से अगर वो वेट कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वेट करना जो है वो एक वर्थ रखता है, मतलब एक अहमियत रखता है. अगर आप करते हैं उनको कहा जा रहा है कि अगर आप वेट करते हैं तो ये अच्छा होगा इस रिलेशनशिप के लिए. एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, फ्लर्ट कर, मतलब यहाँ पर जब तक लाइक उनको अगर वो आपकी तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि वो वेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो अपने अदर ऑप्शंस को भी ओपन रखें, लाइक अगर अदर पीपल्स की तरफ भी जाएं, ये नहीं कि सिर्फ आपका ही वेट करते रहें, उनको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए. तो इसलिए ये यूनिवर्स उनसे जा रही है इस टाइम. लेकिन अगर वेट कर लेते हैं आपका तो भी अच्छा हो सकता है इस रिलेशनशिप में. सो लाइक उनके हार्ट मैसेजेस लेते हैं. लेट्स सी कि आपके पार्टनर के हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर यू. लिब्रास, लिब्रास के पार्टनर के हार्ट मैसेजेस फॉर लिब्रास क्या हैं. फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज़र टू मी, तो हो सकता है वो थे जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो पास में कोई ऐसी बात थी, शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे या फिर फैमिली प्रेशर था. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं. यू एंड आई वर टू यंग, जब आप दोनों मिले तो वो टाइमिंग ऐसी थी कि शायद आप दोनों इमेच्योर थे, आप दोनों ने इमेच्योरिटी से डील किया, या आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर इट सीम्स, तो उनकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी नज़र आ रही है. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, सो एस मैंने कहा जैसे कहा वो आपका वेट करेंगी, आपकी तरफ से वेट करेंगे. आई एम रिग्रेट टू लाइंग टू यू, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, हो सकता है कि उन्होंने कोई लाए कहा है आपसे, कोई झूठ कहा है. हो सकता है उन्होंने आपसे पास में आपको दूर रखने के लिए कहा हो कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या कोई ना कोई बहाना उन्होंने आपसे बनाया था, तो वो अब उस पर रिग्रेट कर रहे हैं. आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो अब आपकी जो पास की कन्वर्सेशन थी वो उनको रिप्ले करते रहते हैं. आई एम नॉट अवेलेबल, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज केम, तो अभी वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि स्टिल वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट वो आपको याद करते हैं और लाइक लेकिन वो सही वक्त का ज़रूर वेट करेंगे. अभी तो वो आपको कोई कमिटमेंट दे नहीं सकते, लेकिन फ्रेंडशिप ज़रूर ऑफर कर सकते हैं, बट वो सही वक्त का ज़रूर वेट करेंगे कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ना होगा, तो वो ज़रूर इसको एक्सेप्ट करेंगे. सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है. वट विल बी लिब्रास पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स लिब्रास, सो वो आपको याद करते हैं, बट वो आपको कहते नहीं हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, आप पुरानी यादों को समेट के रखते हैं, बट वो यस ब्लॉकेज क्रिएट रखेंगे, बाउंड्रीज स्टिल क्रिएट रखेंगे, लेकिन वो आपको याद तो ज़रूर करेंगे. और कमिटमेंट में थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो स्टिल वो इसलिए आपको कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहते, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स सी, जैसे मैंने कहा कि वो डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे, तो जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है वो उसके साथ चल रहे हैं. लेट्स सी कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में आगे क्या जाती है, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से. ये तो आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन है, बट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से क्या हो सकता है. दिस कमिटमेंट, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा वेट करें, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट है. यस, डिसीजन जो है आपके हक में ही होगा, कमिटमेंट होगी और जस्टिस होगा, बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो दैट वाज योर रीडिंग, इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग.